नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर मौसम अपडेट, तो चलिए जान लेते हैं आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, दक्षिण में भारत यानी बारिश का कहर, जाने मौसम का ताजा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंडक का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इधर सर्दी बढ़ने के बाद भी दिल्ली में हवा यानी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी में AQI अब आज 297 दर्ज किया गया है। दिल्ली वासियों को ठंड और प्रदूषण का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। सुबह धुंध ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। सुबह शाम के समय ठठुरन बढ़ गई है। IMD के अनुसार 24 नवंबर के बाद दिल्ली NCR में ठंड में इजाफा होगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों इन राज्यों में बारिश की संभावना, IMD के अनुसार एक नम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है, उससे ये विपोच के केंद्र हो सकता है। इससे तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है। IMD ने कहा है कि अगले दो दिन बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पांडिचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर विपोच का बढ़ना संभव है। अगले 24 घंटों में पांडिचेरी, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कराईकल में बरसात हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस नीचे 27 डिग्री रहा है। उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में सर्दी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में बादल छाए रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा संभव है। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में 1.5 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण मनाली लेह मार्ग बंद है। IMD के अगले 3 दिन तक मौसम साफ होने की भविष्यवाणी की है। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।